तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि अगर इसमें तुम देखोगे तो पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ इनिशियल स्पीड भी। अगर यहाँ से ग्राउंड से इनिशियली स्पीड हमने पॉइंट ए से इनिशियल स्पीड भी से फेंक दिया प्रोजेक्टाइल को, कुछ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ग्राउंड से रहा होगा, ये एंगल कुछ थीटा है, तो ये जो पॉइंट बी है दैट इज़ हाईएस्ट पॉइंट, तो ये जो है पॉइंट बी जो है वो प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस में जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी एक्स में होती है। तो ये कहते हैं एवरेज वेलोसिटी पॉइंट ए से बी के बीच। तो अगर एवरेज वेलोसिटी ए के बीच भी देखोगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टी। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें नहीं पता है लेकिन टाइम हमें ए से बी तक जाने से पता है, यू साइन थीटा ओवर जी। तो अब अपना टारगेट है डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है, r/2 है, और ये वाली लेंथ कितनी है दैट इज कैपिटल H है। तो अगर यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा यार, तो d जो आ जाएगा, d का मैग्नीट्यूड h का स्क्वायर प्लस r/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक ना, ये वाली आ गई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब कुछ नहीं करना है इसमें, आपको वैल्यू रख देना है और सॉल्व कर लेना है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d देखता हूँ तो h का स्क्वायर, तो h 4h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट, इसको सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 1/2 और 4h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, h और r की वैल्यू रख देते हैं। तो अगर मैं इसमें h की वैल्यू रखता हूँ तो 1/2 h की वैल्यू रखूँ तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g इसका होल स्क्वायर प्लस r का वैल्यू रखोगे तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ओवर g इसका ये वाला चीज का स्क्वायर, और ये सब कुछ अंडर रूट है। तो अगर ये सब कुछ अंडर रूट है यहाँ से तो 1/2 यहाँ से ही आ गया। तो अगर तुम देखोगे बच्चों यहाँ से तो दोनों साइड u की पावर 4 है, तो u स्क्वायर बाहर आ गया, g है, g का स्क्वायर है g, तो g बाहर आ गया। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ साइन की पावर 4 है और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाहर आया तो साइन थीटा, ठीक है। अब ब्रेकेट में बचा यहाँ 4 और यहाँ u साइन स्क्वायर एक थीटा बच गया डिवाइडेड बाई 4 प्लस यहाँ बच गया 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि u साइन थीटा जी सब बाहर आ गए यहाँ से अंडर रूट, तो ये 4 ने 4 को खा गया। तो यहाँ से तुम देखोगे u स्क्वायर साइन थीटा ओवर 2g यहाँ बचा, और यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से, और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट फाइनली। तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो ये साइन स्क्वायर, यहाँ से यार एक कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लूँगा, एक मिनट, यहाँ से देखोगे प्यारे बच्चों तो ये वाला जो इक्वेशन है वो मैं कॉस में इसको लिख देता हूँ। तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस स्क्वायर थीटा इसमें से ले लिया तो ये पूरा 1 बन गया। तो अगर ये पूरा 1 बन गया तो फाइनली जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखेगा वो यू स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2g और 1 प्लस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी बड़े आराम से निकाला जा सकता है। तो भी एवरेज जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब यू स्क्वायर साइन थीटा और 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, और डिवाइड कर दूँ यहाँ से 2g और टाइम अप्लाइड कितना था भाई, ये d/t था ना, तो टाइम अप्लाइड u साइन थीटा और डिवाइडेड बाई g, तो ये g इस g को खा गया, साइन स्क्वायर थीटा ने साइन स्क्वायर, एक u ने एक u को, तो यहाँ से u/2g बचा, यहाँ से u/2g, यहाँ से नहीं g ने g को ख़त्म कर दिया ना, तो u/g बचा यहाँ से, तो u/2 बचा और 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट ये हो गया। तो फाइनली यही इसका सलूशन है। तो u/2 देख लेते हैं, u भी ले लेना, तो u/2 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब सी ऑप्शन अपना सही बन जाता है, ठीक है ना। थैंक यू।